एयरपोर्ट इज मेडिकल इमरजेंसी क्या है ये मेडिकल इमरजेंसी क्या है वॉट टू डू कुछ इमरजेंसी आया तो हमारे हेल्थ का कुछ इमरजेंसी आया तो वॉट नी है ना. तो डू यू नो एनीथिंग आप लोगों को कुछ आइडिया है क्या करना है कुछ क्या इमरजेंसीज क्या होता है हेल्थ का इमरजेंसीज मतलब क्या होता है क्या क्या हो सकता है. लिगामेंट टैग होता है फ्रैक्चर होता है चोट लगता है ना सब इमरजेंसी है. अगर ब्लड जा रही है तो ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी इमरजेंसी है ना. आप लोगों को पता है वो टाइम क्या करना है एक्सैक्टली क्या करना है वो पता है यू नो सम ऑफ देम बट आई टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. व्हाट टू डू लोगों को पता होगा कि क्या करना है लेकिन क्या नहीं करना है वो भी. हार्ट का प्रॉब्लम है ब्रेन का प्रॉब्लम है और कुछ यू नो समथिंग यू नो हिट ऑन हिज हेड वी डोंट नो है ना. तो क्या होगा वी विल फर्स्ट हैव टू सी इसका ब्रीथिंग है या नहीं आपको पता चलेगा ना ब्रीथिंग है या नहीं. देन सेकंड अगर ब्रीथिंग कर रही है तो कैसे ब्रीथ कर रही है वो ऐसा ऐसे कर रही है अनकॉन्शियस होने सेमी कॉन्शियस है थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस है और वो ब्रीथिंग के लिए कर रही है इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि खुद को आपका ये लंग्स का एक ट्यूब है थक गया उसने अटक गया इसलिए वो ऐसा गैस्पिंग कर रही है एयर के लिए ऐसा गैस्पिंग कर रही है. तो उसके लिए क्या करना है मैं बताऊँ. देन दूसरा क्या है कि अगर कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं है हाँ कुछ व्हाट इज या नहीं हर्ष सो अगर यू नो व्हेन हर्ष इज अनकॉन्शियस मैं क्या करूँगी ऐसे हर्ष हर्ष ऐसा बुला सो अगर वो कॉन्शियस है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा ना. अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो फर्स्ट ब्रीथिंग चेक करना है. सेकंड इधर हमारा एक पल्स है पता है आप लोगों को थोड़ा इधर टच करके देखो थोड़ा ऐसा टक 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 टच कर है ना. तो वो पल्स चेक करना है पल्स चेक करके आपको ऐसा फील करना है अगर पल्स है तो ठीक है नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है ठीक है वो टाइम पे क्या करने का है. तो ब्रीथिंग पल्स ठीक है. तो मैं एक एक वर्ड बताऊंगी ए बी सी क्या है बोलो और एक बार बोलो ए बी सी. ए फॉर एयरवे ये एयरवे चेक करना है कुछ तो हट गया है. बी फॉर ब्रीथिंग सी फॉर सर्कुलेशन ये सर्कुलेशन है कैसे चेक करते हैं पल्स ऐसा टच कर ठीक है. सो यू हैव टू चेक फॉर ए बी एंड सी ए फॉर एयरवे बी फॉर ब्रीथिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन ये तीनों चेक करके आपको थोड़ा माइंड में रखना है क्या प्रॉब्लम है ठीक है. और अगर ए बी सी नेगेटिव है तो क्या करने का. तो आप लोग ऐसा सोचेगा हम लोग को ये सब क्यों बोल रही है ये सब थोड़ा बड़ा लोग का काम है मैं क्या कर सकते ऐसा नहीं है. अगर ये अकेले है घर पे और उसका कोई रिश्तेदार घर पे है और ऐसा अचानक अनकॉन्शियस हो गया उसको भी कर सकता है जो मैं अभी बोल रही है उसको भी कर सकता है. तो उसका नाम है क्या है उसका नाम होना चाहिए ना बेसिक लाइफ सपोर्ट. बेसिक लाइफ सपोर्ट मीन आप लोग देखा होगा मूवीज में है ना मतलब बेहोश हो रही है और कोई लोग ऐसा चेस्ट पे ऐसा कंप्रेशन दे रही है और मुंह पे ऐसा ब्रीथिंग दे रही है आप लोग देखा होगा ना इंग्लिश मूवीज में वगैरह देखा है ना. तो हम लोग उसके बारे में छोटा तो आप लोग थोड़ा ये मन में रखो अगर ऐसा कुछ आया तो करो ठीक है कुछ सोचने का नहीं लेकिन करने के पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोग किसी को बुलाना है आइदर फोन पे बुलाना है एम्बुलेंस हॉस्पिटल पे बुलाना है और पड़ोसी लोग कोई है नहीं तो और कोई है तो उसको बुलाना है. बुलाने के बाद ही आप बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है
नहीं तो आप देते ही रहते हैं, ये तो आदमी जाएगा, कुछ यूज ही नहीं है ना। ठीक है, कैन समबडी जस्ट कम एंड ले डाउन ओवर हियर, कैन यू कम हर्ष, कैन यू लाई डाउन ओवर हियर, यू ओके विद योर शोल्डर, सो नाउ हर्ष इज गोइंग टू गेट अनकॉन्शियस। ठीक है, हर्ष इज गोइंग टू बी अनकॉन्शियस। सो पहले क्या करने वाला है, मैं देखा हर्ष, हर्ष मैंने उसका ईटिंग रिमूव किया, मैंने उसका ब्रीथिंग चेक किया नेगेटिव। ठीक है, उसका एयर वे वो गैस कर रही है ना, मेरे को देख सकता है ना, वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस है। और उसके बाद मैं उसका पल्स चेक किया, नेगेटिव पल्स नहीं है। तो तभी तभी मैं उसका कंप्रेशन देने वाले, 30 कंप्रेशन देने, चेस्ट पे कंप्रेशन देते, मतलब हार्ट एक बार पंप करने वाले करने, आई एम गोइंग टू मेक द हार्ट पंप अगेन एंड गिव हिम ब्रीथ। ओके, सो आई विल शो यू हाउ इट इज। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कम, आई कॉल हेल्प, वो कैसे हेल्प, हेल्प हेल्प ऐसा नहीं, यू हैव टू शाउट हेल्प, कैसे हेल्प, सब लोग हेल्प हेल्प हेल्प। ओके, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कीप माय हैंड्स लाइक दिस, डिड यू सी दिस, ऐसे। और ये इसका चेस्ट है, इसका चेस्ट बोन है, ये करके इधर से, इधर से हार्ड कंप्रेशन में देने वाले हो, ऐसे 1 2 3 4 5। तो ये नहीं करने का है और ये भी नहीं करने का है, ये ऐसा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, और ये भी, और अपना पूरा प्रेशर, अगर इधर फ्रैक्चर हो गया तो भी चलेगा, लेकिन हार्ट वापस शुरू होना है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 30 कंप्रेशन देना है। ओके, वो कंप्रेशन देने के बाद आप अकेले है तो उसका मुंह बंद है ना, उसका मुंह ऐसा ओपन करने का है, और ऐसा आप अपना मुंह उसके ऊपर रख के ऐसा ब्लो करना है 5 बार। सो दैट ये ब्लो करने का टाइम उसका पेट ऐसा ऊपर आना चाहिए, मतलब उसका लंग्स भरना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रही है, उसका लंग्स और हार्ट रीस्टार्ट कर रही है, तो उसमें क्या बेनिफिट है, उसका जान नहीं चलेगा, ही विल नॉट डाई, है ना, ही विल नॉट डाई, यू आर सेविंग समबडीज लाइफ, सो यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। और ये बच्चे लोग को भी कर सकता है, ये करने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर। ओके, ऐसा करना है तब तक करना है जब एम्बुलेंस अराइव करने के टाइम तक, और somebody comes and take him to a ambulance hospital, okay? So repeat again, 30 compression, 5 breathing, again 30 compression, 5 breathing, and आप दो बार compression cycle होने के बाद तुम लोग थक जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं है अभी उसको conscious है तो मेरे को कर नहीं सकते, उसको दर्द हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, और you have to count, मुंह खोलते 1 2 3 करना है। ठीक है, और वो ये लोग, ये हॉस्पिटल लोग आके उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट, और देखा है ना आपने, वो जो दो चीज ऐसा रख के ऐसा करते हैं, वो तो उनका काम है, लेकिन आपका काम कंप्रेशन लेना और ब्रीथिंग प्रॉपर करने का, कब करने का, अगर ए बी सी नेगेटिव है तो। ठीक है, वही करते हैं हम लोग, वो सब करने के पहले क्या करने का, उसका देखने में डर हो जाता है, और आप लोगों को पता है कि उसको डर है इसलिए वो बेहोश हो गया, तो क्या करने का है, तो अभी ऐसा है ना, तो लिफ्ट हिज लेग, ऐसा लिफ्ट कर, और इसका सिर थोड़ा लिफ्ट चिना, ऐसे करने का। ठीक है, ऐसे करने का। ओके, ऐसे करने में क्या होता है आपको पता है, आपका जो ब्लड आपके शरीर के नीचे पार्ट में है वो थोड़ा ब्रेन में फ्लो हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग मतलब अनकॉन्शियस कैसे होता है, ब्रेन, ये ब्रेन का ब्लड फ्लो कम होने के वजह से अनकॉन्शियस होता है। तो अभी ये पोजीशन में क्या होता है ना, वो ब्रेन का ब्लड फ्लो रिप्लेस कर सकता है, मतलब वापस ब्रेन में जाता है। ओके, और उसके बाद उसको
मतलब कॉन्शियसनेस रिलीज, मतलब वो कॉन्शियस होने के बाद क्या करने है उसको, एक रिकवरी पोजिशन बोलते हैं, वो पोजिशन में ये रिकवरी पोजिशन में थोड़ा लेने दो 10 मिनट के बाद, जो भी पानी देना है जो भी कर सकता है, ठीक है? ओके, दिस इज अ रिकवरी पोजिशन। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर किस पर अड्डी सब है, वो तो मस्कुल मतलब मसल्स आ गए, फिर उसके बाद आपका बोन आ गया, बोन देखा आपने, बोन फील करो हड्डी है तो बोन बोन, फिर जॉइंट तो जॉइंट बोन, ये दोनों को यहाँ पर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, हेलो, सो जो इंजरीज रिलेटेड टू मसल डोले शोल्डर, मसल है ना देखो लड़के का है डोले शोल्डर, हाँ यहाँ मसल बोन जॉइंट लिगमेंट और टेंडन जो है उस इंजरी के बारे में। अच्छा सुनते समय तुम लगे ये तो बहुत खतरनाक टाइप है, कुछ नहीं, हम लोग जो दौड़ते समय हम लोग पाँव ऐसा हो जाता है मान लो, फिर हम लोग वहाँ करें उसको मसाज करके एक छोटा सा गोला होगा उसको दो गोला बनाते, ठीक है? लग गया तो तुम लोग उसको, उसके बारे में तो पहला वाला जो है तुम स्प्रेइंग बोलते हैं, स्प्रेइंग वो स्प्रे वाला नहीं है, जो बॉडी स्प्रे वाला नहीं, एस पी आर ए आई है, वो क्या है जब भी हम हमारा कुछ एक्टिविटी करते समय हम स्ट्रच ओवर स्ट्रच कर देते हैं, या उसको बोलते हैं टेयर ऑफ लिगमेंट, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये दो बोन यहाँ पर एक बोन है और यहाँ पर एक बोन है, इन दोनों को ज्वाइन करता है यहाँ पर न्यू ज्वाइन, इन दोनों बोन को ज्वाइन करता है, राइट? अब इसमें क्या है, ऐसा लिगमेंट है, ऐसा लिगमेंट है इन दोनों को ज्वाइन करता है, देखो ऐसा एक बार चेक करो अंदर, हम लोग को आवाज सुनाई दे रहा है, ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है, कभी कभी देखता हूँ तो ये वाला ना जो गोल है ऐसा तो घूमता है, कभी देखा होगा मम्मी पढ़ते पढ़ाते समय तुम लोग, ये सब ना एक्चुअली नी जॉइंट, तो ये ऐसा लिगमेंट है ये दोनों बोन को मूव करता है, अब इस इंजरी इस लिगमेंट को होता है उसको हम स्प्रेन बोलते हैं, और मेनली कहाँ होता है, फुटबॉल लड़के लोग को ज्यादा होता है, ज्यादा कहीं पर भी इंजरी हो जाए, मतलब यहाँ पर एक बॉल है, बॉल को मार दिया, बॉल वहां है और तुम ऐसा आके गिर जाओगे, गया पांव कर, तो ये मेनली ये, अदरवाइज हम लोग फुटबॉल के लिए जंप करते हैं हेड करने के लिए, या ऊपर से बास्केटबॉल बोलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं सिर्फ देखा होगा ऐसा, और जब करते हैं तो कोई पांव नीचे रख देता है उसके ऊपर पांव ऐसा कर देता है, ऐसा ऐसा नहीं, तो इसका क्या होता है हम लोग एंगल स्प्रेन होता है, तो लिगामेंट इंजरी जो बोलते हैं उसको स्प्रेन बोलते हैं, क्या है स्प्रेन, और दूसरा है स्ट्रेन, एस टी आर ए आई, वो भी ऐसे ही स्ट्रेच किया उसको टेंडन को इंजरी, व्हाट इज टेंडन, हम जो एक मसल एक बोन को ज्वाइन करता है उसको हम टेंडन बोलते हैं, और मेनली होता है बैक, आपने देखा होगा मम्मी लोग बहुत काम करते हैं कि बस पेट दर्द थोड़ा मसाज कर लो, लेकिन मुंह मसाज करके नहीं देते, हाँ तो कर दे बहुत अच्छे, तो ये वहाँ पर पेट दर्द होता है या यहाँ पर खींच जाता है उसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, पर टेक्निकल टर्म में उसको हम थाई बोलते हैं, थाई बोन थाई मसल के पीछे को हम लोग हैमस्ट्रिंग, वो अगर वही सही अगर हम लोग यहाँ पर खड़े और जल्दी से ऐसा प्रॉन कर दिया तो अपने को ये इंजरी होगा, तो ट्विस्ट में ये सब मूवमेंट में या हम लोग कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मैं वही बोल रहा हूँ मम्मी के एग्जाम्पल क्यों दिया, कंटिन्यूसली काम कर रहे खड़े होकर काम कर, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ना वो टाइटनेस फील हो जाता है, मगर टाइट टाइट तो दर्द, तो स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, ओके। तीसरा पर मैंने क्या बोला अभी, पहले वाले का नाम पहले वाले का नाम क्या बोल, स्प्रेन स्प्रेन, और दूसरे का नाम 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 ओके, ये दो हो गए, तीसरा जो है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब हम लोग खेलते समय गिर जाते हैं तो हाथ टूट जाता है, बोलते हैं ना कि फ्रैक्चर हो गया, कभी कभी लगता है कि ये हाथ ना ऐसा सा हिल रहा है, देखा होगा ये वाला, तो फ्रैक्चर हो जाता है बोन को, देयर टू टाइप, एक तो क्या है अंदर ही स्किन के बाहर दिख नहीं रहा है बोन अंदर ही टूटा हुआ है क्लोज फ्रैक्चर, या ये स्किन को निकाल के बाहर की ओर बोन आ जाता है तो ओपन फ्रैक्चर,
वो नॉर्मली बहुत कम रहता है क्योंकि जब खेलते समय इंजरी हो जाता है, अगर गिर गए ऐसा गिर गया ऐसा आकर लग गया तो यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाए। देन आता है डिसलोकेशन, ये मैं जो टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ, डिसलोकेशन मतलब क्या है कि जहां पर ये दोनों बोन्स जहां ज्वाइन करते हैं उसका एंड होता है, ये एक बोन ज्वाइन करे इसके एंड को, जब वो अपने पोजिशन से हट जाता है तो उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं। मतलब आपने देखा होगा मेनली होता है शोल्डर ज्वाइन, अभी जैसे कि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ हो गया, मेरा बॉडी यहाँ से निकल गया, टक ये निकल गया, समझ में आ गया, कभी देखा होगा तो वापस डाल सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जब इंजरी होता है तो बहुत पेनफुल है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिसलोकेशन। तो तीन चार, एक मैंने बोल दिया आपका स्प्रेन, स्ट्रेन, आपका फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया, ब्रूस, अब मैं डॉक्टर एंडी ने बताया है ब्रूस के बारे में, फिर भी मैं एक दो टेक्निक बोलूं। ब्रूस क्या होता है, अगर स्किन के नीचे जब ब्लड क्लॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रूस। आपने देखा होगा मम्मी ने कभी ऐसा मारा या दोस्त ने ऐसा मारा तो ये यहाँ लाल हो जाता है, देखा है, या बॉल आके लग गया लाल हो जाता है, वहां पर हमें लगता है कि कलर क्या हो रहा है, ये कलाल पिंग सब आ जाता है। अब उसको हम मसाज करते हैं, कोई कोई मसाज करता है, लेकिन मसाज करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो चला जाता है, ठीक है। तो ब्रूस वो वाला, एंड इन सब चीज का मेनली क्या होता है, क्यों आता है, वन प्रॉपरली अपना बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है। अब जैसे आपने ध्यान दिया होगा, मैं अगर एक पत्थर लेके यहाँ से फेंकूँ तो मेरा राइट हैंड से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फेंक सकता हूँ, बट लेफ्ट से उतना ज़्यादा जाता नहीं, आपने कभी नोटिस किया, क्योंकि हम लोग का मसल्स बैलेंस नहीं है, ओके। हम अगर बोले चेयर उठाने के लिए, इफ आई एम राइट हैंड तो मैं ये कंफर्टेबल उठाने के लिए, बट ये आते समय मेरे को उतना पावर में नहीं जाएगा। तो हम दोनों मसल्स अगर इम्बैलेंस है, प्रॉपर नहीं है, मतलब यहाँ ये मसल और ये मसल बैलेंस नहीं है, तो क्या होता है, इंजरी हो जाता है। तो अपने को क्या मेनली मसल को स्ट्रेंथ करना है, फिर कभी कुछ एक्टिविटी करने से पहले, अभी खेलने से पहले क्या मैं देख रहा था आपके क्रिकेट शुरू हो गया, जिद्दी यहाँ से बैटिंग कर रही है, सिक्स मार रही है, सब लोग वहाँ दौड़ रही है, बट एक मैच से पहले कुछ है तो हमें क्या करना है, पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है। आपने देखा होगा ये बिल्ली कुत्ता ये सब एनिमल से हमने बहुत चीज़ें सीखा है, उन लोग पहले उठते ही स्ट्रेचिंग करते हैं, बिल्ली देखा बिल्ली स्ट्रेचिंग करती है, ये सब क्या है, अपने को रेडी करते हैं दौड़ने के लिए, सेम वे हमको स्ट्रेचिंग करना बहुत है। देन वार्म अप मतलब थोड़ा अप एंड डाउन थोड़ा दौड़ना है, बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल है उससे थोड़ा बढ़ जाएगा तो हमारा बॉडी वार्म हो जाएगा, एक बार पसीना आ जाएगा वार्म है तो हम लोग को इंजरी कम आएगा, इंजरी नहीं आएगा ये नहीं बोल सकते, वो कह रहे अभी जाके यहाँ पर इस पिलर में जाकर आप सर मार रहे हो तो इंजरी तो आएगा ही आएगा, ये वाला नहीं, सर ने बोला है कि थोड़ा दौड़ लो ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं वो नहीं, इंजरी आएगा लेकिन कम आएगा। देन वार्म डाउन भी जरूरी, जैसा हमने स्ट्रेचिंग किया वार्म अप किया वार्म डाउन, और मेनली एक इंजरी क्या होता है, अगर आपका बोलते हैं मसल क्रैम, आपने सुना होगा ये वाला, सुना नहीं महसूस किया होगा ज़्यादा कि यहाँ पर टाइट पकड़ता है, स्पेशली गर्ल्स को ये नोटिस किया होगा, एंड अगर टेक्निकली बोले तो गर्ल्स को जो पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ज़्यादा क्रैम आता है, और ये देखा क्रैम कौन आ रहा है, यहाँ पर कोई पकड़ता, अब हम लोग दौड़ने के लिए बोलते हैं ग्राउंड और ग्राउंड है, दौड़ना शुरू कर दो यहाँ दर्द होता है, तुमने नोटिस किया, उसके बाद नहीं नहीं क्यों दौड़ना है यहाँ बैठना ठीक है, ये पेन आता है या यहाँ क्रैम आता है, उसको बोलते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, वो क्यों आ जाता है, अलग रीजन है, उसमें मेन रीजन क्या है, बॉडी डिहाइड्रेशन, पानी नहीं है, अगर हम पानी कम पीते अपने को वो मसल क्रैम आता है। सेकेंड क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने कम है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जरूरी, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब हमारे बॉडी में बायो सॉल्ट बोलते हैं, अगर उसमें कुछ कम पड़ रहा है देन हम लोग को मसल क्रैम आता है, इसलिए बोलते हैं केला कच्चा केला खाना चाहिए, लड़कियाँ कच्चा केला खाना चाहिए, एंड पानी कंपल्सरी पीना चाहिए, एंड प्रॉपर अगर बैलेंस डाइट है हम लोग जो खाते समय हर चीज़ होना चाहिए, बड़े बच्चे ने सीखा होगा कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, अब प्रॉपर फॉर्म में है जो घर पे बना के दे रही मम्मी वो खा लो, बाहर से कुछ नहीं काफ़ी है, उसमें सब चीज़ें जो पहले ज़माने में सब लोग खाते थे उनको इंजरी नहीं होता था, ओके। तो मेनली ये सब चीज़ें इंजरी आप लोग को संभालना है, कितना भी संभालो, गिरेंगे टूटेंगे वो सब तो है, पर थोड़ा संभालो, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या, अगर मान लो स्ट्रेन हो गया पाँव में ये लग गया स्ट्रेन हो गया तो उसको बोलते हैं राइस ट्रीटमेंट, RIC, वो खाने वाला राइस नहीं, राइस है ना खाने वाला, वो राइस नहीं, R स्टैंड्स फॉर रेस्ट,
अभी आपको लगे मेरे को एंगल स्प्रेन हो गया, मैं जंप कर ले, मैंने गिर लिया, तो फिर से ये पाँव लेकर खेलना नहीं, पहले रेस्ट ले। आइस स्टैंड फॉर आइस, आइस ओके, आइस पहले कोई बता रहा था आइस यूज करना चाहिए, हाँ वही आइस। सी, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब मैंने बोला कि यहाँ पर एक इंजरी है तो हमें उसको थोड़ा दबाना है, उसको मसाज करके एक एक गोला दो गोला तीन गोला नहीं बनाना जो नॉर्मली हम लोग करते, और ये तेल लेके आ जाओ मसाज कर दिया उसके ईगो दिन। तो आइस, राइस में आर रेस्ट, आई स्टैंड फॉर आइस, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, इट कैन बी ए बैंडेज फॉर्म, एंड ई स्टैंड फॉर एलिवेशन। जैसे डॉक्टर एनी ने बोला हमें जब भी कुछ इंजरी होता है तो हमारा बॉडी पार्ट हार्ट के ऊपर होना चाहिए। इफ आई गॉट एन इंजरी ऑन माई नी सो आई शुड लाई डाउन एंड पाँव थोड़ा उठा अलग अपना टाइम आउट करो। अभी जैसे कि इंजरी हो गया तो अभी यहाँ लग गया मान लो, तो क्या करने का, यहाँ पर एक चेयर रख सकते हो, चेयर के ऊपर पाँव रख सकते हो, तो क्या ये रीफ्लो ऑफ द ब्लड पिच वापस हम लोग हार्ट में भेज रहे हैं, ब्रेन में भेज रहे हैं। तो चार चीजें, आर रेस्ट, आई कंप्रेशन एंड एलिवेशन। आइस पहले 24 आवर्स से लेकर 1 से 2 दिन मतलब 24 से 48 आवर्स में 20 मिनट, एक दिन में 20 मिनट 3 times 4 times यूज कर सकते, कोई भी इंजरी हो पहला चीज याद रख लेना आइस रखना। कारण क्या है आइस क्यों रख रहे हैं, कुछ आइडिया क्यों क्या कारण, बट हम लोग तो गर्म रखने की कोशिश करते हैं, अच्छा भी रहता है गर्म में, अच्छा रहता है, अगर यहाँ पर एक इंजरी हो गया हम गर्म रखते तो अच्छा रहता है, लेकिन हम आइस क्यों रखते हैं। What happened? Whenever we have got an injury here, हमें यहाँ पर कुछ लग गया तो क्या है बाकी सब खून भाई ब्लड वेसल्स जो है सब लोग, अरे भाई को इंजरी हो गया चलो हेल्प करते हैं, सब वहाँ घूम जाते वहाँ पर पहुँच जाते और उसको ना इतना बड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा यहाँ इंजरी हो गया तो थोड़ी देर के बाद इतना फूल गया होगा, देखा होगा नोटिस किया होगा तो हमको कि मेरा पाँव इतना बड़ा हो गया, वो क्या है ऑल ब्लड वेसल्स रश टू दैट एरिया तो उसको बड़ा कर देते। तो आइस में क्या करते हैं ये ब्लड वेसल्स इंजरी के टाइम में इतना हो जाता है और पूरा खून आना शुरू कर दो, तो आइस जब करते हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब ये ब्लड वेसल्स को आप ऐसा कर देते तो खून कम वहाँ पहुँचता है, तो पहले खून कम पहुँच रहा है तो 24 से 48 आवर्स खून वहाँ कम पहुँचेगा, मतलब ये जो है उसके बाद गर्म रखना हीट, जो पहले हम लोग गर्म रखना नहीं गलत है वो भी रखना गलत है, वो उनको रखना नहीं देना, दो दिन के बाद फिर गर्म रखना शुरू करें, क्योंकि उसके बाद जो खराब चीजें खराब खून है उसको वापस भेजने के लिए फिर गर्म रखें, तो गर्म रखते समय फिर से ये वाला जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और खराब खून चला जाएगा, फिर अच्छा नया खून आएगा, ये चलते हैं। अंडरस्टूड, आइस का यूज वो है, सब आपने देखा होगा मूवीज में भी आइस रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, उसका कारण नहीं है। तो रेस्ट, आराम से रेस्ट, उसको अभी पड़ा हुआ है उसको उठना नौकरी क्या होता है इंजरी, ये तो ऐसे ही करता है नहीं वो नहीं कर रही हो। एंड दो चीजें, जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है रिमेम्बर दैट ये शांत पड़ा हुआ है और वहां अरे आ जाओ भाई लोग आ जाओ मेरा हाथ टूट गया, उसको देखना नहीं, ये जो शांत पड़ा है उसको अटेंशन देना है, क्योंकि ये लेटा हुआ उसको क्या है हमें मालूम नहीं है, तो जो चुपचाप ऐसा लेटा हुआ मतलब कुछ मूवमेंट नहीं है, फर्स्ट फोकस उसको, क्योंकि वो वहां पर अलर्ट है, उसको हम फर्स्ट एड या कुछ भी दे सकते हैं, ये चुपचाप है मतलब ही बिग प्रॉब्लम इज देयर ओके। हाँ, और जब ये पड़ा है तो उसको ऐसा उठाने की कोशिश नहीं करना क्योंकि उसका गला टूट गया होगा, हर इंजरी में हम बोल नहीं सकते कैसा इंजरी है, या गला से टूट गया होगा यहाँ से होगा, जब तुम ये करोगे और ज्यादा इंजरी होगा, तो क्या करेगा पहले उसको उसको जगा के रखना है, सोना नहीं है टेनिकोस उसको सोना नहीं, ऐसा नहीं कि मार के अरे उठ रहे वो नहीं है, थोड़ा सा वैसे जैसे बोल बोलते ही होगा, क्योंकि डर के कारण मैक्सिमम मौत होती है, सांप जो कहते हैं ना सांप स्नेक बाइट से डर के कारण मौत होती है और कुछ नहीं, तो सेम वे हुई ठीक है। अंडरस्टूड, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, चार चीजें याद रख देना, कोई भी एक इंजरी के लिए आप ये सब यूज करो बेस्ट, और कोई डाउट है पूछ। थैंक यू।